हमारे साथ में इस समय दैनिक जागरण उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड आशुतोष शुक्ला जी मौजूद है और हम उनसे बात करेंगे आज जिस तरह से वाराणसी में पीएम मोदी का एक मेगा रोड शो हुआ उसे लेकर। आशुतोष जी, आपने उस सैलाब को, जन सैलाब को देखा जो वाराणसी की सड़कों पर आज उतरा था, उस रोड शो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले जो चुनावी नतीजे होंगे उसकी तरफ क्या इशारा करता है ये रोड शो? अगर इस रोड शो के आधार पर बात करें तो चीज़ें बहुत एक तरफा लगेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बनारस वैसे भी देखिए उत्सव धर्मियों का शहर है, बाद की बात में वहाँ पर मेले ठेले हो जाते हैं, लोग जुड़ जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो है उनका वो एक तरफा चुनाव होगा। कोई उसमें अभी तक जो नाम सामने आए हैं उनमें कोई बहुत बड़ा उनका विरोध जैसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन लोकतंत्र है, आगे क्या होगा नहीं कहा जा सकता, देश भर में क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता। बनारस में अभी प्रधानमंत्री के समकक्ष कोई और नेता नहीं है किसी और पार्टी में, ये बिल्कुल सच बात है। और जो वहाँ जनसमर्थन है, या एक प्रधानमंत्री एक प्रत्याशी के तौर पर काशी आए हैं, किसी भी शहर के लिए ये गर्व की बात होती है कि उसके यहाँ से चुना गया व्यक्ति प्रधानमंत्री बने और बतौर प्रधानमंत्री वो फिर लड़ने आए। इसके साथ साथ ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि बनारस के लोगों ने प्रधानमंत्री को बतौर सांसद भी देखा है। बनारस में जो काम हुए हैं वो बहुत ठीक हुए हैं। और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि साहब अंदर काम नहीं हुआ, ये सड़क नहीं बनी, ये नहीं बना और स्ट्रीट लाइट नहीं लगी, कुछ काम नगर निगम के होते हैं, कुछ काम जिला प्रशासन के होते हैं, कुछ काम और नीचे के होते हैं, पंचायत के होते हैं। हर काम के लिए सांसद जिम्मेदार नहीं होता। सांसद के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर जो काम उन्होंने किया है उसको ज़रूर वहाँ देखा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो बाकी सांसद हैं, अपवाद स्वरूप कुछ को छोड़ दें तो बहुत औसत प्रदर्शन है उनका, उन्हें शिक्षा लेनी चाहिए उससे। क्या मान सकते हैं कि जो उन्होंने सांसद के रूप में काम किया उसका असर ज़्यादा है, या सिर्फ प्रधानमंत्री हैं वो इस वजह से हर जगह से, चाहे भाजपा के मुख्यमंत्री हो वो आ रहे हैं, इस वजह से सिर्फ जनसैलाब है? सांसद वाली बात थोड़ा सूक्ष्म स्तर पर देखनी चाहिए, बाकी प्रधानमंत्री के तौर पर जो बातें हैं वो ज़्यादा हैं। और आप यह भी मान के चलिए कि अगर उनको प्रधानमंत्री के तौर पर यह समर्थन है तो ये समर्थन बाकी जगह भी होगा। ऐसा नहीं है कि हवा चलेगी तो केवल बनारस में बहेगी, सब जगह चलेगी। एक आखिरी सवाल आपसे, प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने राजनीति में जब एक तरह से एक्टिव एंट्री उनकी कराई, उसके बाद एक चर्चा चली कि वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, आज उस पर विराम भी लग गया, अजय राय जी को टिकट दिया गया, इस पूरे वाक्या को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, एक तो ये कि कांग्रेस की तरफ से ये कभी नहीं कहा गया कि प्रियंका वहाँ से चुनाव लड़ेंगी, यह एक कहना चाहिए कि खामखा चली एक चर्चा थी जो कभी अड़ियों से आती है, कभी अड्डों से आती है, कभी ये सोशल मीडिया की उपज होती है, कभी खाम ख्याली होती है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा, लेकिन फिर भी अगर इसको हम इस रूप में देखें तो अभी वहाँ कोई चुनौती देने की स्थिति में नहीं है नरेंद्र मोदी। तो हमने जाना आशुतोष जी से कि आज वाराणसी की सड़कों पर जिस तरह का जनसैलाब देखने के लिए मिला हम लोग को, वो कोई बुलाई गई या बटोरी गई भीड़ नहीं थी, बल्कि कहीं ना कहीं वो जनता जो है ये बताना चाहती है कि एक बार फिर से वो पीएम मोदी को देखना चाहती है। हालांकि इस बात का फैसला 23 मई के बाद होगा, 23 मई को नतीजे आने पर ही होगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। लखनऊ से शैलेश अरोरा की रिपोर्ट।